नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चार्ट मेन्यू के बारे में कि चार्ट मेन्यू के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे रिकमेंडेड चार्ट्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गए, मैप के चार्ट्स हो गए और पाइवट चार्ट्स हो गए। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के बारे में बताया था। इसी तरीके से आप चार्ट्स के अंदर अगर देखेंगे तो पाइवट चार्ट्स और रिकमेंडेड चार्ट्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा पाइवट चार्ट की, पाइवट चार्ट क्या होता है। आप यहाँ पर देखेंगे हमने एग्जांपल्स के लिए कुछ यहाँ पर एम्प्लॉइज के नेम लिए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, उनकी सेल्स ली है 2020 की और 2021 की। अब इसके बेस पे हम एक पाइवट चार्ट तैयार करेंगे, तो वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है पाइवट चार्ट वाले ऑप्शन पर। पाइवट चार्ट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है न्यू वर्कशीट, यानी आपको जो पाइवट चार्ट चाहिए वो न्यू वर्कशीट पर चाहिए, या दूसरा ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है एग्जिटिंग वर्कशीट, यानी आपको जो पाइवट चार्ट चाहिए वो एग्जिटिंग सेम इसी वर्कशीट पर चाहिए। हमने पिछली वीडियो में आपको न्यू वर्कशीट के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एग्जिटिंग वर्कशीट कि आप सेम इसी शीट पर किस तरीके से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एग्जिटिंग वर्कशीट और यहाँ पर इसकी लोकेशन दे देते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसका चार्ट चाहिए, और यहाँ पर लोकेशन देते हुए हम यहाँ पर सिंपली इसे ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पर पाइवट चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अब आपको करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जितने भी आपके टाइटल्स थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें कि आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, सेल्स 2020, सेल 2021, ये सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉयज पे, इस पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इसकी टेबल क्रिएट हो गई और साथ के साथ आप देखेंगे इसको आप चार्ट यहाँ पर बनता चला जाएगा। अभी फिलहाल नेम ऑफ एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कोई भी डेटा रिप्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसको जब तक हम वैल्यूज नहीं देंगे तब तक ये चार्ट को क्रिएट नहीं करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सेल देते हैं 2020 की, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल 2020 की हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है डेटा कि किस एम्प्लॉय ने 2020 में कितनी कितनी सेल की है, वो आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के नाम आ गए कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है और उसने कितनी कितनी सेल्स की है, वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जा रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पर सेल 2021 को भी ऐड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल 2021 भी यहाँ पर ऐड हो चुका है और साथ के साथ यहाँ पर आप देखेंगे उसकी पाइवट टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। इस पाइवट टेबल में आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है कैटेगरीज का, तो यहाँ पर इस वाले डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन को उठा करके अगर आप यहाँ पर डाल देते हैं वैल्यूज के अंदर, तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो कुछ इस तरीके से थीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज का यहाँ पर नेम शो करेगा, उनके यहाँ पर सेल्स शो करेगा, डिपार्टमेंट शो करेगा, डिपार्टमेंट्स वैल्यूज में शो कर रहा है। और इसके बाद हम फिलहाल डिपार्टमेंट्स को यहाँ से हटा लेते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ डिपार्टमेंट्स को रखना चाहता हूँ और नेम ऑफ एम्प्लॉय को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो डिपार्टमेंट्स को रखते हुए यहाँ पर मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय को यहाँ से हटा दूंगा। तो आप देखेंगे आपके सामने डिपार्टमेंट्स शो हो गए और डिपार्टमेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पर इतने की सेल की है, फर्नीचर ने इतने की सेल की है 2020 में, और गारमेंट्स ने इतने की सेल की है 2020 में। उसी तरीके से 2021 का भी यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया है और उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नेम ऑफ एम्प्लॉय पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने किस कैटेगरी के अंदर, यानी किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन पर्सन है जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो यहाँ पर इनकी लिस्ट बनकर आ चुकी है, जो कि आपकी एक तरह से पाइवट टेबल है। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में भी बिल्कुल उसी तरीके से डेटा आपका मैन्युअली एडजस्ट होता चला जाएगा, जिस जिस तरीके से आप इसको हटाते जाएंगे या जिस जिस तरीके से आप इसको मैनेज करते जाएंगे उस तरीके से आपका ये जो पाइवट चार्ट है वो क्रिएट होता चला जाएगा। तो यही है पाइवट चार्ट, आप कितने तरीके से पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट रिक्वायरमेंट से, कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और सामने वाले बंदे को इसका प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हम पाइवट चार्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं पाइवट चार्ट ऑप्शंस पर, और आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन शो अप होता है स्लाइसर का। इस स्लाइसर वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्लाइसर का एक नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको करना क्या है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और डिपार्टमेंट का मैं एक स्लाइसर तैयार करना चाहता हूँ, यहाँ से जैसे मैं इसे ओके प्रेस करूंगा तो ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके यहाँ पर
डिपार्टमेंट्स तैयार हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर और गारमेंट्स के। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का डेटा यहाँ पर शो हो गया। अगर मैं फर्नीचर पर क्लिक करके दिखाऊं तो फर्नीचर का डेटा यहाँ पर शो हो गया। और अगर मैं यहाँ पर गारमेंट्स पर क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखेंगे गारमेंट्स का डेटा यहाँ पर शो हो चुका है, और उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर उसकी सेल भी यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको स्लाइजर ऐड करा के अपने डेटा को फिल्टर करा सकते हैं। और अगर आपको फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लियर फिल्टर का एक ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फिल्टर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये स्लाइजर यहाँ से रिमूव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और डिलीट की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देनी है। डिलीट की प्रेस करते ही आपका स्लाइजर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पाइवट चार्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा रिकमेंडेड चार्ट। अब रिकमेंडेड चार्ट किस तरीके से यूज किया जाता है उसके लिए हम नई शीट पर चले जाते हैं। और आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक डेटा पहले से ही लिया हुआ है, सेम वही डेटा हमने फिर से यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे रिकमेंडेड चार्ट पर। रिकमेंडेड चार्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड चार्ट बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने डेटा को कितने तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कितने तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी पर्सन के सामने। तो यहाँ पर आपको बने बनाए फॉर्मेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, किसी भी फॉर्मेट को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके पर प्रेस करना है। जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे आपके सामने रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से आप इसको एनालाइज करना चाहें, जिस तरीके से आप इसके अंदर एडिटिंग करना चाहें, वो एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एड चार्ट एलिमेंट्स का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने डेटा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने टाइटल्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा एनालिसिस को ऐड कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, अपने एरर्स को ऐड कर सकते हैं, अपने डेटा टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने ऑप्शंस हैं, लिंक्स वगैरह भी आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उन सभी ऑप्शंस का एक एक करके आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्विक टेबल का एक ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो इस चार्ट के साथ अगर अपनी टेबल को भी दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पर हमने मिडल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो चार्ट का टेबल था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। हम इसे फिलहाल कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स में से कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चेंज कलर्स का भी आपके सामने ऑप्शन है, आप यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कलर में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जितने तरीके से आप चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्विच रो टू कॉलम, यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो रो की जगह कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे तो कॉलम की जगह रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा का, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, और इस विंडो के अंदर अगर आप अपने हिसाब से डेटा को एनालाइज करना चाहें, मान लीजिए अभी हमने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे लिया हुआ है और मैं अब इसमें से कुछ कम डेटा को लेना चाहता हूँ, यानी सिर्फ और सिर्फ सेल 2020 को दिखाना चाहता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट करके जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा, ओके करते ही आप देखेंगे सेल 2021 का डेटा यहाँ पर हट चुका है और यहाँ पर हमारे सामने जो चार्ट बन के रिप्रेजेंट हुआ है वो बेसिकली सेल 2020 का है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने चार्ट के टाइप को चेंज करना चाहें तो देखिए आपके सामने एक ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप का, इस पर क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप से चार्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास लाइनिंग वाले चार्ट भी हैं, कॉलम वाले चार्ट भी हैं, पाई चार्ट भी है, बार वाले चार्ट भी हैं, एरिया वाले चार्ट भी हैं, एक्स वाई जेड वाले चार्ट भी हैं, मैप वाले चार्ट भी हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कॉलम ले लिया, कॉलम की तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कॉलम में हम कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपल इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा ये जो चार्ट था वो मैनेज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपके सामने शो अप हो रहा है मूव चार्ट का। अगर आप अपने चार्ट को मूव करना चाहते हैं किसी अदर शीट के ऊपर तो मूव चार्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा न्यू शीट पर, और न्यू शीट पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपकी एक नई शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आपका सिंपली सिर्फ चार्ट मैनेज होगा। इस चार्ट को आप यहां से प्लस के निशान पर क्लिक करके अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, जिस भी तरीके से आप इसको एनालाइज करना चाहें उस तरीके से यहां पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। ये था हमारा रिकमेंडेड चार्ट। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन है हमारा मैप का। तो फिलहाल हम मैप को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद बाकी के ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। अब मैप के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है आपका मैप का। ये मैप किस तरीके से क्रिएट होता है, जिसके लिए हमने यहाँ पर मैप का पहले से एक डेटा लिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे हमने कुछ स्टेट्स लिए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हमने कुछ स्टेट्स लिए हुए हैं और यहाँ पर उनके कुछ सेल्स ली हुई हैं। अब इन सभी स्टेट्स को हम क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट करेंगे। आपको स्टेट को और इसके सेल्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको टोटल वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी है, सिंपली आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। जितने भी आपके स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को और उनके टोटल वैल्यू को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे मैप के अंदर, और मैप के अंदर आपके ऑप्शन नजर आएगा यहाँ पर मैप का। जैसे आप फील्ड मैप पर क्लिक करेंगे, फील्ड मैप पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पर मैप फिलफिल हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको समझने के लिए।
और इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपका सीरीज वाला, इस वाले ऑप्शन को अगर आपको गायब करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट की प्रेस कर दीजिए, या हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसके चार्ट को कोई टाइटल देना चाहें तो यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसका टाइटल सेल्स, और इसके बाद हमने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो मैप है वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट के फॉर्मेट्स हैं, आप यहाँ से क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स के फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको सिंपल रहने देंगे। सिंपल के बाद यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका फिलहाल यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई भी कलर लेकर के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर एड चार्ट एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर अगर आप कोई एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर एलिमेंट्स ऐड करना बताया था, अगर उस तरीके से आप इसमें कोई एलिमेंट्स ऐड करना चाहें तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं मैं फिलहाल अभी उसी एलिमेंट्स को यूज करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना होगा प्लस वाले निशान पर। प्लस वाले निशान पर जाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है चार्ट टाइटल। यहाँ पर जैसे आप क्लिक हटा देंगे तो चार्ट टाइटल यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके नाम यहाँ पर शो हो जाए, और उनके यहाँ पर जो भी हमारी सेल्स है वो यहाँ पर शो अप हो जाए। तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर शो होगा डेटा लेबल्स का। डेटा लेबल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे। तीन ऑप्शंस में से आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है मोर डेटा लेबल्स का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और डायलॉग बॉक्स के ओपन होने के बाद आप मैप के अंदर देखते हैं तो मैप के अंदर आप देखेंगे आपके सारे स्टेट्स के नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब इस नंबर्स की जगह मुझे अगर अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है कि मेरी किस किस जगह पर कौन कौन सी जगह पर मेरे स्टेट्स हैं और कितनी कितनी सेल्स हुई है, मुझे वो दोनों चीज़ें अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कैटेगरीज नेम का। इस कैटेगरी नेम पर आपको टिक करना होगा और यहाँ पर आपको, अब आप इसे जूम करके देखिए और यहाँ पर हमारे स्टेट्स का नाम और उसकी सेल भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। अगर आपको सेल्स को रिमूव करना है तो यहाँ पर वैल्यू को आप यहाँ से हटा दीजिए। वैल्यू को हटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा था वो रिप्रेजेंट हो चुका है, आपके स्टेट्स के नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप चाहें तो कोई कलर यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ग्रेडियंट कलर ले लिया या पिक्चर्स कलर ले लिया। इस तरीके से आप अपने जो भी स्टेट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जिस कलर में इसको मैनेज करना चाहें उस कलर में हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा चार्ट का ऑप्शन। इस तरीके से आप अपने स्टेट का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने कंपनीज के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने डेटा को सामने वाले बंदे को दिखा सकते हैं कि किस किस स्टेट में आपकी कितनी कितनी सेल्स हुई हैं, या डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पाई चार्ट्स का। तो पाई चार्ट्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। पाई चार्ट्स के लिए भी आप देखेंगे हमने यहाँ पर पहले से ही एक टेबल ली हुई है। इस टेबल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद हम चले जाते हैं पाई चार्ट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें से कोई भी चार्ट्स आप यहाँ पर उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉलम्स वाले चार्ट्स। 3D कॉलम चाहिए आपको या बार वाले चाहिए, जिस डिफरेंट टाइप्स के आपको चार्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिस भी चार्ट में आप इसको दिखाना चाहते हैं इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। आप देखेंगे हमारा जो मैटर था वो इस तरीके से पाई चार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरीके से आप इसे स्विच कर सकते हैं कॉलम और रो के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। उस तरीके से आप इसके कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं, यहाँ पर भी आप फॉर्मेट भी यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन पाई चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बाकी चार्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिलहाल कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ और कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से वापस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो चार्ट है यहाँ पर लाइनिंग वाला चार्ट शो कर रहा है। इसमें आप कोई भी लाइनिंग सिलेक्ट करके आप इस तरीके से चार्ट को रिप्रेजेंट करा सकते हैं लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास चार्ट है, मैं एक एक करके आपको सभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो इसको पाई चार्ट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप्स के कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चार्ट चाहिए होगा वैसा चार्ट आप इसमें मैनेज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। इसके बाद का जो नेक्स्ट चार्ट है हमारा वाटरफॉल चार्ट है। इस पर क्लिक करके आप यहां पर वाटरफॉल्स की तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको दिखाना है कि जैसे आप किसी ऐसे डेटा को दिखाना चाहते हैं जिसमें वाटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए वाटरफॉल के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे उसके हिसाब से डेटा मैनेज हो चुका है। तो हमने सिंपल एक
वही डेटा लिया हुआ है बार बार आपको समझाने के लिए, लेकिन आप इसमें जो डेटा लेंगे, अगर आप यहाँ पर वाटरफॉल का डेटा लेंगे तो उसके हिसाब से इसकी वेव बताएगा, कितनी वेव इसकी मूव हो रही है, कितनी जा रही है, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, कितनी डिक्रीमेंट हो रही है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको वन बाय वन करके रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है वो कॉम्बो चार्ट है। कॉम्बो चार्ट पे जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन चार्ट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, दो दो इन्फॉर्मेशन को ये एक साथ कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल 2020 2021 दोनों को रिप्रेजेंट करा रहा है कॉम्बो यानी कंबाइन करके, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्लिक करके इसको एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इस डेटा को मैनेज कर सकते हैं जैसा भी आप मैनेज करना चाहें। तो यही थे हमारे चार्ट्स के ऑप्शंस यानी पाई चार्ट्स के ऑप्शंस। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस थे मैंने आपको वन बाय वन सभी क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।